राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, क्योंकि आज ये खबरें दिन भर चर्चाओं में बनी रही। आज की सबसे बड़ी खबर तो यह थी कि राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार ने कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया है। इस योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा योजना को बंद करने से अच्छा था इस योजना का नाम बदल देते। वैसे आपको बता दूं, यह योजना थी क्या? योजना के तहत 2 साल में 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। इसके तहत गहलोत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता था, जिन्हें अब हटा दिया गया है। वहीं देखिए, भजनलाल सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को बंद कर दिया गया है। प्रदेश की नवगठित भजनलाल सरकार की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया को बंद करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। दरअसल इस भर्ती के तहत कुल 50,000 पदों पर भर्तियां की जानी थी। यह भर्ती गहलोत राज में 13 अगस्त को निकाली गई थी। इस भर्ती के इंटरव्यू के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक भी लगा रखी थी। और अब बड़ी खबर यह है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों में। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में गरीब मजदूरों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। दरअसल निजी अस्पताल संचालकों ने RGHS और चिरंजीवी योजना में मरीजों का कैशलेस इलाज करना बंद कर दिया है। और यह सच्चाई है, पूरे राजस्थान में दोनों योजनाओं में मरीज इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि भजनलाल शर्मा जनता को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सीएम ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख तक फ्री इलाज की तैयारी कर रही है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है, प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा है और मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, राज्य की भाजपा सरकार का 27 यानी कि कल मंत्रिमंडल विस्तार संभावित बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बालकनाथ के मंत्री बनने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। और कल 6 नए विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है, बताया जा रहा है कि नई कैबिनेट बनते ही सबसे पहले पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को लेकर फैसला होगा। मंत्री बनाने के बाद जब पहली बैठक होगी तो उसमें पेट्रोल डीजल के रेट कम करने को लेकर समीक्षा होगी और नए साल पर पेट्रोल डीजल के भाव कम करके बीजेपी आम जनता को बड़ी राहत देने की भी कोशिश में जुटी है, ताकि कांग्रेस इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा न कर सके। तो यही थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, जो पूरे दिन काफी चर्चाओं में रही। राजस्थान की बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।